वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं एक ऐसी खुली खुली सड़कों के ऊपर खड़ा हूँ। एक्चुअली मैं इस वक्त खड़ा हूँ रिंग रोड के इंटरचेंज पे, जो कि अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज है। और आपको मेरे सामने यहाँ पे कुछ बोर्ड नजर आ रहे होंगे, जो कि इंटर पे आके आखिरी इंटरचेंज है रिंग रोड का। और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर GVR फेज 3 है, जिसके रिसेंटली कमर्शियल्स की भी डील अभी आई हुई है मार्केट में, फेसिंग रिंग रोड कमर्शियल्स की। साथियों, यहाँ पे आ जाने का मकसद ये है कि यहाँ आपने सुना होगा एक न्यूज़ टीवी के ऊपर दो दिन से चल रही है कि सॉर्दर्न लूप की जो रिंग रोड की एक्सटेंशन है, उसके लिए इस दफ़ा 10 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिंग रोड अब बहरिया के अंदर से गुजरने वाली है। तो आज हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे, इसके पॉजिटिव देखेंगे, इसके नेगेटिव देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना। बजट से मुकम्मल होगा। 8 किलोमीटर रोड की तामीर पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। अदालत के स्टे की वजह से भी मंसूबा ताखीर का शिकार था। तो जी साथियों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम इस चीज का जायजा लेते हैं कि ये जो रिंग रोड है, ये जब बहरिया के अंदर से गुजरेगी, एग्जैक्टली हम इस वक्त उसी लोकेशन पे खड़े हैं कि जहां से आप बहरिया के अंदर एंटर होंगे और बहरिया के अंदर से आप एग्जिट करेंगे। साथियों, रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 2018 में LDA ने यहाँ पे ऑपरेशन किया था। और रिंग रोड के अंदर आने वाली जो प्रॉपर्टीज थी, उनको अगर वो कंस्ट्रक्ट थी तो उनको डिमोलिश किया गया, अगर प्लॉट थे तो उनको उन्होंने सील कर दिया कि आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि जो आज से 5 साल पहले हो चुकी है, और उन लोगों को कंपनसेट किया गया, उनको प्लॉट्स वगैरह दिए गए, जिनकी बिल्डिंग्स थी उनको भी कंपनसेट किया गया। अब ये रिंग रोड बनने जा रही है। अब रिंग रोड जब किसी सोसाइटी में गुजरती है तो उसके पॉजिटिव भी होते हैं और उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो पूरे DHA के अंदर आप देखें कि DHA सारा जो है वो रिंग रोड के ऊपर है। फेज 5 देख लें, फेज 6 देख लें, फेज 4 देख लें, ये सारा रिंग रोड के साथ साथ है। और यहाँ पे भी जो रिंग रोड की एंट्री है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अंदर की तरफ आएगी GVR 3, GVR 2, GVR से क्रॉस करती हुई जिना ब्लॉक इसके अंदर आ जाएगा, जिना ब्लॉक से निकल के ये इकबाल ब्लॉक से कुछ जेनिपर ब्लॉक का हिस्सा इसके अंदर है, फिर इसके अलावा वहाँ से ये पास करती हुई तलहा ब्लॉक में से गुजरेगी, और तलहा ब्लॉक से ये क्रॉस करती हुई NFC 2, और NFC 2 से जाती हुई ये मुल्तान रोड को जाके टच हो जाएगी। तो साथियों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप रिंग रोड से थ्रू आउट लाहौर जो है वो इसको अप्रोच कर सकते हैं, और इसको आप देख सकते हैं कि आप इजीली एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, शहर की तरफ जा सकते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में ये भी चीज़ आती है कि जब ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट किसी सोसाइटी के अंदर से गुजरता है या सोसाइटी के पास से गुजरता है, तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये इम्पैक्ट भी आएगा बहरिया टाउन के अंदर, जिन जिन के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगी। पहले लोगों को बहरिया टाउन से निकल के अड्डा प्लॉट की तरफ आना पड़ता था और फिर वहां से वो रिंग रोड पे चढ़ते थे, अब वो अंदर से ही इसके चढ़ सकते हैं। इसके दरमियान में, रिंग रोड के दरमियान में एक एग्जिट भी है, और एंड पे जाके मुल्तान रोड के ऊपर इसका कंप्लीट इंटरचेंज बनेगा। और ये टोटल 8 किलोमीटर का रकबा है जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल ये चल रही है बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा कि अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाए, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी हैं मैंने आपको पहले बताया, और नेगेटिव भी हैं। तो पॉजिटिव मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, लोग यहाँ से अप्रोच करेंगे ईजिली, और डेफिनेटली इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और अगर नेगेटिव की बात करें तो डेफिनेटली जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट किसी सोसाइटी के अंदर से गुजरता है या सोसाइटी के पास से गुजरता है तो धूल मिट्टी और डिस्टरबेंस हो जाती है। इसके अलावा आप ये कह लें नॉइज़ पोल्यूशन होती है, ये चीज़ें सारी जो हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लाहौर के गिर्द रिंग रोड का एक बड़ा पैच बनेगा, जो बहरिया टाउन अड्डा प्लॉट से लेके बहरिया टाउन के अंदर से होता हुआ मुल्तान रोड तक जाएगा।
ये एक मेरे हिसाब से तो बड़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। ये मंसूबा पिछले 4-5 साल से जो है वो तनजली का शिकार था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट इसको बना दे और बैरिया टाउन के लोगों की भी सुनी जा सके। तो जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी डेफिनेटली उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगी। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, एक अहम इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली नई अपॉर्चुनिटी से मुस्तफीद हो सकें।